बोलिए भारत माता की, गुना की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान भारत के बहुत वरिष्ठ राजनेता, जिन्होंने राम लला को अयोध्या में विराजमान करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी और जीती, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे मित्र आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, ताली बजाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन कीजिए। मैं गुना की जनता से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, तुमने आरती उतार के भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आज गुना की जनता ने सड़कों पर रिमझिम बरसात के बीच स्वागत किया। आपका प्यार था और आपका विश्वास था, मैं भी आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, जनार की बात में भी बहुना बना बिना पालो हमें आपको मिलने दूंगा। बहुत दिन हो गए थे मुझे बड़ी याद आ रही थी गुना की। अरे गुना वालों को भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं? जोर से बोलो, आ रही थी कि नहीं? आग दोनों तरफ से लगी। लेकिन आज आया हूं खाली हाथ नहीं आया। गुना वालों, बहुत दिन से आपकी अपेक्षा थी, गुना में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता हूं। क्या बात है, खोला जाए कि नहीं खोला जाए बताओ, और से बताओ खोला जाए कि नहीं? गुना में अब मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। और मुझे अपने गुना की आवाज कितनी होगी, मुझे गुना की जनसंख्या कितनी है? झूठ में कौन आ रहा है? कितनी हो गई? बोलो भारत माता की। अब गुना को नगर निगम भी बना दिया जाएगा। मेरे गुना के प्रिय बहनों और भाइयों, तुमने हमेशा झोली भर भर के वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, कभी कोई कसर नहीं रखी। गुना की जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं और ये वचन देता हूं कि गुना के विकास में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अब एक बार जरा मुझे दिल से बता दो, गुना का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कभी कांग्रेस ने किया था क्या? और जोर से बताओ किया था क्या? सवा साल आगे थे दादा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बोलो तब गुना को कुछ मिला था? जिले के होने के बाद भी अगर गुना को क्या सा रखा तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ और कांग्रेस ने रखा मेरे बहन और भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब भी मौका के अंतिकांश करते हैं, आज आप देखिए पूरे गुना जिले की हालत, एक एक विकास के काम में नहीं गिराऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। एक तरफ गुना का विकास और दूसरी तरफ शहरों से जारी जनता का कल्याण। देखो मेरे पहलवान, मैं सरकार भी चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, मैं गुजरात अजय ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? मैं जोर से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? और भांजे भांजियो, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? मामा हूँ। ये विशाल परिवार अपना है, साढ़े 9 करोड़ मैं हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उन पर रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है,
आपकी सेवा के जब तक सांस चलेगी केवल आपके लिए काम करिए। और इसलिए तो देश में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अद्भुत नेता है। भारत का मान सम्मान और शान अगर पूरी दुनिया में बढ़ाई तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी विकास की गंगा भी बहाते हैं, गरीब कल्याण के काम भी करते हैं, दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ाते हैं। अब मैंने आपको परिवार की बात कही, परिवार की सत्ता कैसे होती है। मेरी नानी की बहन इतनी रात को उठाई में जाते तो राखी लेने के आ जाती है, राखी बांधती है। आज मैं कह रहा हूं मेरी बहनों, ये राखी का कच्चा धागा भाई और बहन के बीच स्नेह और विश्वास को खाना। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं रहने देंगे, कभी आंसू नहीं रहेंगे। और इस तरह देखिए एक के बाद एक होता है। हमें देखता था हमारी गरीब बहन निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की बहन, किसान परिवार से आने वाली बहन, कई बार हजार हजार रुपए के लिए भी बड़े समूह हो जाते हाथ चलाना पड़ता। कई बार मेरी मुझे कपड़े को दिला दो, माँ की इच्छा होती तो दिला दो, लेकिन सात पैसे नहीं होते थे, मठ महसूस कर देना। अगर किताब मांग लो, खिलौने मांग लो, या कह रहे कि माँ आइसक्रीमें खिलवा दो, तो माँ की आंखें गीली हो जाती थी, क्योंकि सात पैसे नहीं होते थे, तो माँ मजबूर होती थी, मजबूर। मेरी बहनों, मैंने कई बहनों की आंखों में आंसू देखे और तब मुझे लगा विराट औरत का, स्त्रियों का, माताओं बहनों का, बेटियों का, उनका भी इस प्रदेश का है, उनका भी है। क्या वो दुखी रहे? क्या बहने केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या बहने जिंदगी भर केवल दुख और कष्ट झेलती रहेंगे? क्या बहनों की आंखों में हमेशा आंसू रहेंगे? और तब मेरे मन में आया बहने जिसे भी और सावन के महीने में जब राखी होती है तो भाई बहन के घर जाती है, भाई बहन के घर जाता है, और भाई को राखी बांध के बहन कुछ ना कुछ उसके लेती है। मेरे दिल में है दूरी को भैया है, उनकी नहीं मेरी बहनों भैया, अरे उनकी नहीं, जोर तो बोलो ना, उनकी नहीं, सगा उनकी सोते ला सगा। तो मैंने भी सोचा चिल्ला बहनों को पिछड़ा, लेकिन एक बार और दिमाग में आई कि साल में एक बार बहन से काम नहीं चलेगा। अगर बहनों के कष्ट करना है तो हर महीना उनके खाते में पैसे डाल दो, तो बहनों की जिंदगी भी समझ जाएगी। और उसमें से बन गई लाडली बहना योजना। बताओ बहनों और भाइयों कैसी होता है लाडली बहना योजना? अरे भाइयों तुम भी बता दो, अरे कैसी योजना है ये? पहली बार हुआ है कि हमने तय किया हर महीने 1,000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। और ये रुपया नहीं दिया, ये बहनों का सम्मान दिया, आपको मान दिया है मेरी बहनों, मान दिया, पैसा नहीं है सम्मान है। और आप जानते हो पैसा पास में होता है तो चिंता खत्म हो जाती है, पैसा पास में होता है तो घर भी इज्जत पड़ जाती है, सासू माँ भी औलाद समझती है, जरूर आ गए कि नहीं आए। और कई बार पति देव की नजर भी बदल जाती है, पप्पू की मम्मी कहती हो पैसा आ गए कि नहीं आए, कभी सासू माँ भी कहती है नजरिया बदल जाता। लेकिन बहनों और भाइयों ये न्याय दिया जाने की न्याय, उनको भी जीने का, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार। लेकिन आज इस भरी सभा में मैं फिर दोहरा रहा हूं, आधी आबादी बहनों की, आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा, पूरा न्याय। और इसलिए तय किया कि ये केवल 1,000 रुपया नहीं रहेंगे, 1,000 रुपया जब देते हैं
एक साल में कितने पैसा लगेंगे पता है क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितने लगेंगे? अरे मैं तो दे रहा हूं तुमको, नहीं तो 15,000 करोड़ रुपया। हाँ बताओ कोई और दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिए क्या? लेकिन केवल 1,000 समिति नहीं रहेंगे। मैंने आपको वचन दिया था 1,000 से बढ़ाकर पैसे की जुगाड़ करना हूँ। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी 1,000 से बढ़ाकर करूंगा 1,250। और मैंने 1,250 रुपया कर दिए। इसके बाद बढ़ा के करूंगा 1,500। बाद में जैसे और व्यवस्था होगी तो 2,000। इसके बाद जैसी व्यवस्था होगी तो 2,250। और व्यवस्था होगी तो 2,500। और व्यवस्था होगी तो 2,750। और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो 3,000। बैनर की जिंदगी बदलना, और बैनर की जिंदगी बदलने के लिए केवल एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। नारी लक्ष्मी हो, 50% रिजर्वेशन हो, और चाहे संपत्ति खरीदने में स्थान की छूट हो, एक नहीं कई योजनाएं बदल। परिवार की सरकार कैसी होती है? परिवार की सरकार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने तय किया प्रधानमंत्री जी कोई कच्चे घरों में नहीं रहेगा, गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी। और अब एक बात बोलना ना गुना वालों, जो नहीं आए उनको भी बता देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम छूट गए, कई लोगों के नाम छूट गए, आवास प्लस भी नहीं आए, वो कहीं जगह हमारे विधायक जी बैठे, हमारे सांसद जी बैठे, उनको मिलते और कहते हमारे खुशी बनवा दो। भाई अब हमने एक योजना और बना दी, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिनके नाम छूट गए हैं कल से सर्वे करके आवेदन आपसे भरवाए जाएंगे। कल मैं पहला आवेदन भरूंगा भोपाल में, उसके बाद आपके गांव में ही आपके आवेदन भरे जाएंगे। और जो नाम छूट गए उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान दिया जाएगा। बोलो सब गरीबों के पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? वही बात और मेरी बहनों, कभी कभी कहती थी भैया सिलेंडर रहेगा भैया, सही बात है कि नहीं? और इसे मध्य प्रदेश का तय कर दिया कि केवल 450 रुपया में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। योगी बहुत 450 रुपये जो लाडली बहना जो उज्ज्वला योजना की हमारी बात हितग्राही बहने, उनके भी आवेदन भरना शुरू हो गए। आवेदन भरेंगे तुम्हारे गांव में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और शहर में वार्ड में ही भरेंगे, अपने वार्ड में जैसे लाडली बहना के आवेदन भरे गए थे। और उसके बाद 27 तारीख को बहनों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि सावन के महीने में 450 में रसोई गैस, अब उनके पैसे भी वापस लौटाऊंगा। खाते जरा तैयार दिया वो पैसा फिर से वो पैसा भी वापस आएगा और अब परमानेंट ये योजना बनाएगी, क्योंकि हमको जिंदगी बदल मकान निःशुल्क अनाज प्रधानमंत्री से, निःशुल्क राशन मिला है, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हो जाए, बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, परिवार हो जाएगा, घर में भी अपन बच्चों के लिए करते, भाई बहनों के लिए करते, बेटा बेटियों के लिए करते, और बेटा बेटियों के लिए स्कूल लेना, मेरे बहनों के लिए स्कूल लेना, जिनको मेहनत से पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना, ये आगे वाले देश के लोगों के कारण पीछे से गिर रहा, तो हमारे बहनों को भी नाराज होती है। लेकिन अब जैसी परिस्थिति उसी में पूरी सफा करते हैं। तो ये बात ध्यान से सुनना, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, बच्चों को लक्ष्य पढ़ाना। देखो कमलनाथ ने तो मेरी कई योजना बंद कर दी, मैं बच्चों को देता था लैपटॉप, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो कंप्यूटर दिलवाता था, कमलनाथ जी ने लैपटॉप बंद कर दिए, मैं साइकिल दिलवाता था, कमलनाथ जी ने साइकिल बंद कर दी, संबल का पैसा देना महिलाओं को बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बेटियों की शादी करवा तो दी लेकिन बेटियों की शादी करने के बाद भेजना नहीं दिया, सारी योजना बंद कर दी। लेकिन बहनों और भाइयों
बारहवीं में मेरे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए 75% उनको मामा ने लैपटॉप के 25,000 रुपया दिलवा दिए, और अगले साल 60% नंबर आएंगे तब भी मैं 25,000 रुपया बच्चों के खाते में डालूंगा। पढ़ने दो अपने बच्चों को, पढ़ने दो अपने बच्चों को। वही बात और मैंने कहा था, पहले मैंने कहा था कि बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी अपने हाई स्कूल में उसको मामा की स्कूटी दे पाएगा। भाई जी कहते कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियों के ध्यान ज्यादा लग रहे हो, मामा हमें भी दे दो। तो हमने तय किया कि एक भांजे को देंगे, एक भांजी को देंगे, लेकिन अगले बार फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन भांजे और तीन भांजियों को स्कूटी दिलाई जाएगी ताकि वो जाके ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करें। और एक बात और, आपको टूर्नामेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, अपने बच्चों का एडमिशन अपनी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 10-12-13 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? बोल के बताओ चुका सकते हैं क्या? किसानों के चुका सकते हैं क्या? तो सुन लो रे मेरे बहनों और भाइयों, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? अरे जोर से बताओ कौन चुकाएगा? मामा, मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, पैसे को पढ़ाई में वहां बढ़ने नहीं दूंगा, गरीब के बेटा बेटी को भी आगे बढ़ने का दूंगा। ये अपने परिवार की सरकार, मेरे बुजुर्ग बहनों और भाइयों, हमने तय किया था तीर्थ यात्रा, हम रेल से तीर्थ यात्रा करवाते, कमरदान बताने दिल्ली जैसी कई तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब अपनी सरकार फिर आ गई, तीर्थ यात्रा फिर चालू। अरे केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ। बोलो गरीब बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अरे गरीबों को भी बैठना चाहिए यार। प्रधानमंत्री जी का हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठो, मामा तीर्थ ले जाएगा हवाई जहाज में, चिंता मत करना, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरे बहनों और भाइयों। क्या दिया कांग्रेस को कोई बता दे, बताओ कांग्रेस ने कोई ऐसी योजना चलाई थी क्या कभी? सिवाय टूटने के अलावा। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, दोनों जवाब दो, क्यों सारी योजना तुमने बंद कर दी? ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की सरकार ने, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख इनमें वापस कर दिए। गरीबों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुमने मकान वापस कर दिए। मेरी बहनों जल जीवन मिशन, बताओ गांव में भी पाइपलाइन बिछा के थर्मल टोटी वाला नल लगा के पानी देना, उसको भी कमलनाथ ने चालू नहीं किया, क्योंकि नियम का नाम हो जाएगा। और किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि के कमलनाथ दादा ने नाम ही नहीं भेजे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता कमलनाथ? अगर किसानों को 6,000 रुपये मिल जाते तो मैंने मुख्यमंत्री बन गई, वो नाम भी भेजे और 6,000 नहीं, हम 6,000 PM देंगे, 6,000 CM देगा, पहले 2,000 CM जाएंगे, फिर 2,000 CM के, फिर 2,000 PM के, फिर 2,000 CM के, फिर 2,000 PM के, फिर 2,000 CM के, कुल 12,000 रुपया मिले, कुल 12,000 रुपया। ये जिंदगी बदलने का गरीब की, किसान की, आम इंसान की। कांग्रेस ने क्या दिया तुम्हें बता दीजिए मेरे बहनों और भाइयों। उल्टे उल्टे रविशंकर जी बता रहे, मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, उल्टे इनने एक गठबंधन बनाया, हिंदी गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सब इकट्ठे हो जाओ, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भारतीय में कुनबा जोड़ा, कुनबा जोड़ गया, पता नहीं कहां कहां के, जैसे बरसात में जब खूब बाढ़ आती है। अभी कह रहे थे आदरणीय रविशंकर जी, बीच में पानी नहीं चला, लंबी खेच हो गई, फसल सूख रही थी, किसान के चेहरे मुरझा रहे थे, मैं भी चिंतित था, बिजली की खपत बढ़ गई थी, इंतजाम हो ही नहीं रहा था इतना जितनी बिजली की खपत बढ़ रही थी, तो मुझे और कुछ नहीं दिखा, मैं सीधे महाकाल महाराज के दरबार में गया और एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, फक्कड़ बाबा, अगर दानी मेरे किसान के चेहरे मुरझा रहे हैं,
और खेती ठीक नहीं हुई तो व्यापार भी ठीक नहीं होगा, मेरा पूरा प्रदेश और जनता संकट में फंस जाएगी। इसलिए बाबा भोलेनाथ महाकाल महाराज वर्षा करवा लो, वर्षा करा लो, वर्षा करवा लो। और उनकी कृपा में आज बरसात हो रही है, हरे भरे हम फिर से हो रहे हैं, लेकिन ये तो सनातन धर्म को गाली है। अभी रविशंकर जी बता रहे, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, अरे ये धरती वो धरती है जिसने सब धर्मों का आदर किया है, सब धर्मों का आदर किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। बोलो सनातन धर्म का अपमान सहन करोगे? जोर से बताओ, सहन करोगे? सोनिया गांधी जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह अमरनाथ जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी जवाब देना पड़ेगा, जिनने सनातन का अपमान किया वो क्यों तुम्हारे गठबंधन में निकालो, तोड़ दो ऐसा गठबंधन जो सनातन धर्म को गाली देता है, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ से बचने के लिए जब डूबने लगते हैं तो एक एक पेड़ पर सब बैठ जाते हैं, आदमी भी बैठ जाता है, बंदर भी एक डाल से चिपक जाता है, सांप भी आके लिपट जाता है, बिच्छू भी वहीं बैठ जाता है, चींटे चिट्ठी आ जाते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ना तो आदमी सांप को देख के लाठी मारता है, ना सांप को काटता है, ना बंदर आंखें दिखाता है, सब नीचे पानी देखते मर जाएंगे, बाढ़ का पानी तो अपने अपने डाल पे चिप के बैठे रहते हैं। ये इंडी गठबंधन ऐसे है, सांप बिच्छू केकड़ा बंदर सब ये डाल पे कोई को कोई अभी नहीं जान पा रहे, रोज झगड़ा करते, बताओ ऐसा गठबंधन देश का भला कर सकता है क्या? तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी, बिना जाति और धर्म के भेद के सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसलिए गुना के बहन और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ, आपने तो हमेशा आशीर्वाद दिया है गुना वालों, हमेशा आशीर्वाद दिया है, मैं तो झुक झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, बारम्बार प्रणाम करता हूँ, आपका एहसान है, आपका ऋण है, वो ऋण चुकाने आ रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, मेरी बहनों और भाइयों, ये काम सब ठीक से चलते रहे, लाड़ली बहनाओ, ये बड़े बेईमाने कांग्रेस वाले, यहाँ गए तो ना तो लाड़ली रहेगी और ना बहना रहेगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी। और इसलिए ये सब चीजें ठीक से चलती रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मेरे बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल कपूर को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। अरे बहना को हाथ उठा के आशीर्वाद दो ना साहब, पत्रकार मित्रों देख लो ये हाथी आशीर्वाद के हाथ में, भाई मेरे बहन और भाई, हम फिर से संकल्प लें कि हम भाई के साथ, हम मामा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूरी ताकत से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलो सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और पत्रकार मित्रों मेरे फोटो नहीं जनता के फोटो खींचो, उठाओ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मेरे साथ संकल्प लीजिए, भारत माता की जय बोलिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक ही सरकार की जय। अरे एक ही सरकार के लिए भी 12 करोड़ हुआ था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, अब केंद्रीय सरकार का लोग भी 12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। बोलिए बजरंगी की जय, की जनता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जाओ ना, अरे पास में जाओ ना, अरे यार इतनी गैप होवे के बाद नहीं जा पाए तुम, भीड़ भाड़ पीछे पीछे सर आपका, बहुत बहुत शॉर्ट हिंदुत्व की बात कर रही, शॉर्ट हिंदुत्व की कांग्रेस
सनातन धर्म का अपमान करता है जी। ये ढोंगी है, चुनाव को देख के बदला भक्ति करते हैं और हिंदुत्व का हिंदू धर्म का अपमान करवाते हैं। जिन्हें सनातन धर्म का अपमान किया ऐसे गठबंधन के लोगों के खिलाफ क्या किया बताए दिग्विजय सिंह कमलनाथ। सनातन के मुद्दे पे इस बार चुनाव का चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होगा। जो हमने जनता की सेवा की है, भाई बहनों की सेवा की है, जो विकास किया है, चुनाव उस मुद्दे पे होगा। लेकिन सनातन का अपमान सहन नहीं किया जाए। मामा पत्रकारों पर छोटे दर्जे धन्यवाद। Thank you.